केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। सभी विभागों की माघ और कुंभ मेले को लेकर समीक्षा हुई है। प्रगति ठीक चल रहा है और समय के अनुसार जो तिथि निर्धारित है उस तिथि के अनुसार सभी विभागों ने अपना काम जो कार्य कर रहे हैं स्पीड के साथ काम कर रहे हैं और माघ मेला भी और दिव्य भव्य कुंभ भी आने वाला 2025 में सफल होगा और 2019 का जो भव्यता थी दिव्यता थी उससे भी अच्छा ये कुंभ मेला हो इसकी पूरी तैयारी चल रही है। हाँ जी, लगभग दिसंबर 2024 तक ये पूर्ण करना है। बाकी सभी का अपना अपना स्थिति है, कोई मार्च में पूरा कर रहा है, कोई नवंबर में, अक्टूबर में, सभी लोग अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। जो अभी है स्पीड ज्यादा है, जो लोगों ने अभी समय बताया उसे ठीक काम कर रहे हैं। सभी विभाग समय से कार्य पूर्ण करेगा ये सभी लोगों से आग्रह किया गया कि सभी लोग अपना काम पूर्ण करें, क्योंकि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये जो माघ मेला दिव्य कुंभ होने वाला है, आम यात्री को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, सभी को सुरक्षा का अनुभव और जो आवे तो स्वच्छता, पानी, बिजली, किसी प्रकार की कठिनाई न हो, ये सभी का लाभ सभी को मिले इसकी चिंता करना है। आने वाले समय में जो हाईवे नेशनल हाईवे रोडें भी हैं दूर दूर तक, रायबरेली रोड, बाकी सभी भी सड़कें, ब्रिज भी, ये सभी कंप्लीट दिसंबर मार्च तक 25 तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे 2024 के सभी, इसलिए सभी की तैयारी पूर्ण हो जाएगी। हाँ, बाढ़ उसके लिए सभी जितने सीवर गंगा में गिरते हैं इसके सभी नाले को टैप किया जाएगा। एक भी नाला 2025 के पहले तक सभी नाले टैप हो जाएंगे और सभी ले चुके हैं। 16 ऐसे नाले अभी बताए हैं, उसका भी DPR बन चुका है, वो भी नाले, एक भी नाला शेष नहीं, जो गंगा जी में या यमुना में सभी गिरते हैं वो सभी नाले टैप किए। तीन राज्यों में हिंदी, देखिए जब जब हम लोग सत्ता गरीबों की सेवा के लिए प्राप्त करते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हमारा देश और गरीब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। अब 70 साल कांग्रेसियों को देखा है चलाते हुए राज्य को, देश को, लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद गरीब कल्याण योजना जो गरीबों तक पहुंच रही है, पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, जितनी भी व्यवस्थाएं, शौचालय हो, सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सभी योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन ने लिया है और जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद भी हम सब पर मिलता है। आदरणीय मोदी जी का जो गारंटी था ये पूरा गारंटी तीनों राज्यों में, सभी राज्यों में लोगों स्वीकार किया और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को दिया। अब इस समय हमारे 19 कार्यों को, जितने कार्य हमारे गरीब कल्याण चल रहे हैं, विकसित भारत जो यात्रा हमारा निकला है उसके लिए आज राज्य के अंदर सभी राज्यों में प्रभारी मंत्री, बाकी लोग भी जा रहे हैं। जन एक, ये भी एक जन आंदोलन, जैसे स्वच्छता अभियान चला है, ये भी यात्रा एक जन आंदोलन बने, इसके लिए भी आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त। 2024 देखिए सपा बसपा कांग्रेस सभी को तो देख चुके हैं, कांग्रेस ये जब जब सत्ता में आते हैं जनता जनार्दन को लूटना है। आदरणीय मोदी जी इसके पहले देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब भी भारतीय जनता पार्टी आती गरीबों की सेवा करना, जनता जनार्दन की सेवा करना, जो समस्या है जैसे राम मंदिर 370 इसको समाप्त करना, पोखरण विस्फोट करना, कारगिल युद्ध में आप देखें आज देश शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व से मैं आग्रह है कि शांति समृद्धि के ओर आगे बढ़े। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में न आतंकवाद, न गुंडागर्दी, न भ्रष्टाचार, न नक्सलवाद, सब शांति से अपने अपने काम करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।